बिहार की धरती पर मिलेगा स्वर्ग, इस जगह पर आकर भूल जाएंगे कश्मीर, शिमला और मनाली। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बारिश का मौसम शुरू है, ऐसे में छुट्टी मिलते ही हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस मौसम में हिल स्टेशन पर घूमने का मज़ा ही अलग होता है। ऐसे में लोग कुल्लू, मनाली और ना जाने कहां कहां घूमने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन जगहों पर घूमना थोड़ा खर्चीला हो सकता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में अगर आप बिहार से हैं और घूमने के लिए आपका बजट भी कम है, तो हम आपको बिहार के उन हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। आज हम बिहार के जिन अनसुने हिल स्टेशन की चर्चा करेंगे, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आपको कुल्लू, मनाली की कमी नहीं होगी, आप एडवेंचर कर सकेंगे और हिल स्टेशन का मज़ा भी ले सकेंगे। बिहार के हिल स्टेशन की जब बात आती है, तो सबसे पहले रामशिला हिल को कैसे कोई भूल सकता है। ये हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। बारिश और गर्मी के दिनों में कई लोग इस पहाड़ी का दीदार करने आते हैं। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, यहाँ की खूबसूरती आपके मन को मोह लेगी। हालांकि कई लोग यहाँ धार्मिक ख्याल से भी घूमने आते हैं। यहाँ पहाड़ी पर ही एक प्राचीन मंदिर भी है, लोग इस मंदिर को रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण वर्ष 1014 ईस्वी में हुआ था। लोग यहाँ पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को पिंड चढ़ाने आते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम भी यहाँ पर पिंड चढ़ाने आए थे। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मजुनी हिल के बारे में। ये हिल चारों तरफ से पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, चारों तरफ हरे भरे घास, गुफाओं पर पत्थरों की आकर्षक नक्काशी देखते बनती है। यहाँ से आपको विष्णुपद मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। लोगों के बीच प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक बुद्ध ने 1000 पुजारियों को इन गुफाओं में ही अग्नि उपदेश दिए थे। इस मंदिर का नाम विष्णुपद पड़ा। इसके पीछे की कथा भी रोचक है। कहते हैं भगवान बुद्ध के पैरों के निशान पर इस मंदिर को बनाया गया था, तब से लोग इसे विष्णुपद मंदिर के नाम से जानने लगे। बात बिहार के हिल स्टेशन की हो ही रही है, तो हम प्रेतशिला पहाड़ी की चर्चा ना करें तो सब कुछ अधूरा सा लगेगा, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ी है ही ऐसी जो लोगों का मन यूं मोह लेती है। प्राकृतिक रूप से ये जितनी खूबसूरत है, धार्मिक रूप से भी इसका उतना ही महत्व है। लोग गया में स्थित इस पहाड़ी को गुणगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने से पहले इसी स्थान पर रुके थे। इस पहाड़ी से आप ब्रह्मकुंड और शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी के सुहावने मौसम में तो ये जगह और भी खूबसूरत दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरपा चोटी के बारे में। यहाँ पर भी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक खूबसूरती का भी एहसास होता है। यहाँ पर आपको कुछ बौद्ध अवशेष भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बुद्ध के उत्तराधिकारी महाकश्यप ने ध्यान लगाया था, इसलिए लोग तीर्थ स्थल के लिहाज से भी यहाँ आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इनमें से आपका सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन कौन सा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।